और कैमरा ऑन करो सब पे, हर बार बोलना पड़ता है आप लोग, कैमरा ऑन करिए एंड प्लीज रिस्पॉन्ड। यहाँ चुपचाप जो शांति से बैठे रहते हैं आप लोग, क्लास में प्रवचन नहीं चल रहा है, जो आप यहाँ पर चुपचाप शांति से बैठ के सुन रहे हैं, स्विच ऑन योर कैमरा एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड व्हेन एवर आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन। हैव यू डन अ रिसर्च फॉर द टॉपिक? जो टॉपिक का मैंने स्पीच का टॉपिक जो दिया था, उस पर रिसर्च किया है किसी ने या नहीं किया है? सिर्फ दो स्टूडेंट ने अभी तक मेरे पास स्पीच दिया है उस टॉपिक का। और कितने दिन से आपकी क्लास हो गई है? 31st से आप काउंट कर लीजिए, 31st जनवरी से एटलीस्ट 5 से 6 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं टॉपिक देने के बाद। उसमें सिर्फ दो स्टूडेंट ने अभी तक प्रेजेंट किया है। यस अगेन, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कैमरा फिर से नहीं ऑन हो रहा है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी थिंग दैट आई एम सेइंग, तो कोई फायदा नहीं है क्लास ज्वाइन करके। यस आई विल बी वेटिंग टिल द टाइम योर कैमरा इज स्विच्ड ऑन। जब तक आपके कैमरा स्विच ऑन नहीं होते हैं, तब तक यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग कुछ करते नहीं है यहाँ पर। बार बार बोला गया है कि टॉपिक दे दिया है मैंने, सिर्फ एक स्पीच लिखना है, उसके बावजूद हाँ बस स्विच ऑन करके ऑफ कर दो, यही आपने करना है बस। ऑन किया और ऑफ किया तुरंत सबने, यही किया है सबने। 3-4 बच्चे ऐसे ही ऑन करके तुरंत ऑफ कर दिए। सब कोई ऑन करो, स्विच ऑन कैमरा करो। Still no response from your side. बैठे रहो तो वैसे ही क्लास में आप लोग बैठ नहीं आ पाए फिर। Yes, 5 more minutes. If your camera is not switch on, मैं आपको क्लास को फिर वेटिंग रूम में डाल दूंगी। आप वेटिंग रूम में रहिए, वहीं पे बैठे रहिएगा, वहीं पे सीख लीजिएगा सब कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है? कैमरा स्विच ऑन करिए, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द क्लास। यस व्हाई इज योर स्क्रीन कमिंग ब्लैक इफ योर कैमरा इज ऑन? अगर कैमरा ऑन है तो स्क्रीन क्यों आपका ब्लैक ब्लैक होने लगता है? यस मोनिका, आपका कैमरा ऑन है बट स्टिल आपका फेस नहीं दिख रहा है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप लोग का कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ है। एक छोटा सा चीज बोलती हूँ, बोला वो आपसे किया नहीं जा रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू लर्न कम्युनिकेशन? इस तरह का कम्युनिकेशन आप सीख रहे हैं? I am still waiting for the others to switch on their cameras. Yes, batch 1, roll number 32, Aman Kumar Singh, switch on your camera. Batch 2, roll number 43, Abhishek, camera on kariye sab koi. Nahi karna hai camera on, nahi karna hai class, aap to switch up ghar pe baith sakte hai. Class join kar rahe ho, to dhin se aap class karenge. Abhi bhi 4 bachon ka camera on nahi hua hai. शुभम के साथ नेटवर्क इशू है। किसके साथ नेटवर्क इशू है? शुभम के साथ, रोल नंबर 4। शुभम सर, मैम
बच्चे आपका नेटवर्क इशू है, तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर कोई नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे। आपको फर्स्ट क्लास से मैंने शुरू से बताया है कि कोई भी इशू हो रहा है, ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का नेटवर्क इशू हो रहा है आप चैट बॉक्स में लिखोगे, लेकिन आप लोग इन्फॉर्म नहीं करते। फिर जब मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोलूंगी, जबरदस्ती डांटूंगी आपको, फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम हो जाता है अचानक से ये प्रॉब्लम, फिर यही यही सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद मुझे यही लगेगा कि आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आप बहाना बना रहे हो। आप मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में नेटवर्क इशू है या नहीं है? ये चीज बार बार मैंने कहा है कि अगर कोई नेटवर्क इशू होता है तो आप बता दीजिए, एंड ट्राई टू स्टे कम्युनिकेबल। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेट आप नहीं करेंगे, मुझे नहीं बताएंगे कि क्या इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? कम्युनिकेशन में आपको पढ़ा रही हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ाया था ना फर्स्ट डे मैंने, क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट होती है। नॉट ओनली योर वर्ड्स आर नॉट द ओनली थिंग दैट आर इम्पोर्टेंट, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एज मच इम्पोर्टेंट एज योर वर्बल कम्युनिकेशन। आप नहीं बोलोगे दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन बोलने के बावजूद आप लोग वो काम नहीं करते हो, आपके एक्शन अगर शो नहीं करते हैं आप जो बोल रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं होगा सही। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी अभी ज्वाइन किए हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर स्पीच का प्रिपरेशन किया है, एटलीस्ट रिसर्च किया है टॉपिक का जो टॉपिक मैंने दिया था? एक आपको स्पीच लिखने बोली है, यू जस्ट द सिंपल थिंग इज, इतना सिंपल टॉपिक है कि आपको यहाँ पर अपने से अपना खुद का एक्सपीरियंस लिख सकते हो। आपके पास अगर कोई आसपास कोई है जिससे एक्सपीरियंस पूछना चाहते हो, उसका एक्सपीरियंस पूछ सकते हो आप, लेकिन इसके बाद भी आप इसे एक स्पीच तैयार नहीं होंगे। आप अगर यहाँ प्रेजेंट करने का आदत नहीं डालेंगे, आपका कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टूल ऑफ एनी आर्ट टू लर्न, कम्युनिकेशन बताया था ना, आर्ट होता है वो, कोई ऐसे सीखने वाली चीज नहीं है कि फाइनेंस ये होता है, फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस में आपको पहले टॉपिक लर्न करना पड़ता है, थ्योरीज लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या यहाँ पर सब कुछ पढ़ने के बाद क्या आप एक्सपर्ट बन के कोई भी बिजनेस संभाल सकते हैं? प्रैक्टिस सही होता है, एक्सपर्टीज सही होता है, बहुत ज्यादा मार्केट नॉलेज सही होता है। सिमिलर इज हेयर कम्युनिकेशन, until and unless you have practiced here, इससे कोई फायदा नहीं है कितना भी मैं यहाँ पर पढ़ा दूँ आपको, कितना भी आपको वीडियोस दिखवा दूँ, कितना भी आपको लिख के दे दूँ, आपको यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करना होगा। दैट मीन्स यू आर द वन, इफ यू आर स्पीकिंग अप हियर, इफ यू आर नहीं हो रहा है, गलती हो रहा है, सेंटेंस में एरर हो रहा है, दैट इज ऑल राइट। यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ग्रामेटिकल एरर होता है एवरी डे, बट स्टिल दे ट्राई। अगर ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा गलती कहाँ है? अगर मैं सही कर रही हूँ तो उसमें कोई इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसे इग्नोर करना सीखिए। गलती करोगे, मैं यहाँ सही करूंगी, दैट इज हाउ यू लर्न। तुम लोग को पता नहीं किया इतना परेशानी है, मतलब इस द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इफ आई एम गिविंग देम द टॉपिक एंड दे आर नॉट प्रेजेंटिंग, समझ में आता है कि चलो वो लोग न्यूली फ्रेशली बाहर आए हैं स्कूल से, उन्हें थोड़ा नर्वस लगता है, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट लगता है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दोस थिंग्स। उन्हें नहीं समझ में आता कि अगर उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो उनका फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा। बट यू आर थर्ड ईयर स्टूडेंट, यू आर अबाउट टू बींग ग्रेजुएटेड, ठीक है? आधे बच्चों के पास यहाँ पर जॉब है हाथ में, उसके बावजूद आपको कम्युनिकेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंस है ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी यहाँ बोल नहीं पा रहे हो, उसके बाद फिर वहाँ काम होगा, कोई इशू होगा, कोई परेशानी होगी, फिर वहां पे जाके लड़ना शुरू कर दोगे। देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, देयर इज अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, पर्टिकुलर थिंग दैट यू हैव टू फॉलो, एक प्रोटोकॉल होता है, तो आप जहाँ पर भी वर्क करोगे वहां पर एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर आप क्लास में दो चार लाइनें बोलने से शर्मा रहे हैं, आपको पता नहीं कितना परेशानी हो रहा है स्पीच एक बोलने में। अपने थॉट्स को गैदर करना सीखिए, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसे एक फॉर्म में लाना सीखिए कि उसे किस तरीके से बोला जाए कि जो ऑडियंस है उन्हें अच्छे से समझ में आए। और ये सिर्फ आपका इसलिए नहीं होता है कि आप किसी स्टेज पे खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं उसी में ये काम आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है।
कल को होके आपको अपने सीनियर को जब रिपोर्ट करना होगा, एक तरीका होता है कि उससे आप बात करेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है आपको। आप उनसे जाके सीधे नहीं बोल सकते हो कि सर ये दिक्कत हो रहा है ठीक कर दीजिए, इस तरह नहीं होता है। आपको वहां से बताना होगा कि क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीजें आपको अच्छे एक तरीके से बतानी होती है। ऑल दिस कम्युनिकेशन दैट आई एम, ऑल दिस एक्टिविटीज दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज नॉट फॉर यू टू बिकम लाइक संदीप महेश्वरी। जरूरी नहीं है कि उनकी तरह एकदम स्टेज पे माइक लेके चढ़ ही जाओ तुम लोग। ये सारी आपकी एवरीडे लाइफ कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेंगी। अगर आप कल को आईटी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, किसी भी तरह की कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, वहां पे एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, ठीक है, एक पैटर्न होता है जहाँ से आप, जरूरी नहीं है कि कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पर आप सीनियर टू सीनियर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इमीडिएट सीनियर है, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, टीम लीडर से ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके मैनेजर से नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारे तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के। तो देयर इज अ वे इन विच यू कैन कम्युनिकेट योर मैसेज, ताकि मैसेज में बैरियर्स ना क्रिएट हो, ताकि मैसेज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपकी बात जो है वो सीनियर तक अच्छी तरह पहुंच जाए। ये सारी चीजें आपको इसी चीज में हेल्प करता है। जरूरी नहीं कि अगर मैं स्पीच बोलने बोल रही हूँ तो ये आपको स्पीच के लिए ही काम आएगा। दिस विल हेल्प इन योर एंग्जाइटी इन टॉकिंग टू अदर पीपल, दिस विल हेल्प इन योर प्रैक्टिसिंग, आपका फ्लो जो है वो सारी चीजों में ये हेल्प करेगा। दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग, एक बार बस कर दिए और हो गया, दैट इज इनफ, ठीक है। आप लोग इतने बच्चे नहीं हो कि अब एग्जाम में आ रहा है उसी के हिसाब से आप पढ़ोगे। देर आर अदर थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, यू शुड नो दैट। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट हैव प्रिपेयर्ड द स्पीच, स्पीच किसने तैयार किया है, टॉपिक मैंने बार बार बता रखा है, आई होप ईच एंड एवरी वन नो द टॉपिक। नहीं पता है तो आज अगर किसी ने भी बोला कि टॉपिक नहीं पता है तो मैं आपको ग्रुप में अच्छी तरह सेंड कर दूंगी सारा इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया, लास्ट बार भी यही हुआ था, एमआरसी में आप लोग आए ही नहीं थे, तो बच्चे आए थे उन्होंने लास्ट मोमेंट में प्रेजेंट करके दिया था, जबकि एमआरसी का इन्फॉर्मेशन भी मैंने एक वीक पहले आपको दे दिया था। प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है। आप लास्ट मोमेंट पे कोई भी डाटा पढ़ के, एग्जाम नहीं है ना कि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लो उसके बाद जाके एग्जाम दे दो। यहाँ पर आप बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। अगर आपने लास्ट मोमेंट पे तैयारी की है तो आप कभी भी वहां पर अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं है, अच्छी तरह आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके खुद में दिमाग में ये बहाना रहेगा कि अरे अभी लास्ट मोमेंट पे तैयारी की है, कितना ही अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं जैसे हो रहा है वैसे देने। These all things affect your communication. These all things affect all your performance and all. ये last minute जो करने का आपको आदत है ना, ये हर एक चीज पे इफेक्ट करता है। कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा वो लास्ट मिनट सबमिट करोगे, एग्जाम के लिए लास्ट मिनट में पढ़ाई करोगे, हर चीज का प्रिपरेशन लास्ट मिनट नहीं होता है। कुछ कुछ चीजों के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। वो पेशेंस लाइए अपने में। यस, रेज योर हैंड। जिसने जिसने प्रिपेयर किया है, दो स्टूडेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है स्पीच। अगर उनके अलावा यहाँ पर किसी ने भी प्रिपेयर किया है स्पीच तो दे कैन रेज योर हैंड। अगर नहीं किया है तो मुझे अभी रीजन बताइए, सबके सब अभी क्लास चल रही है, अभी मुझे रीजन बताइए कि क्यों नहीं प्रिपेयर हुआ आपका स्पीच अभी तक। हर एक स्टूडेंट से मुझे यहाँ रीजन चाहिए, अदर देन ऑब्वियसली प्रिया रंजन, यू हैव गिवन द स्पीच ऑलरेडी। उसके अलावा बाकी जितने यहाँ पर स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं अदर देन प्रिया रंजन एंड माई आईडी हियर, यहाँ पर 15 स्टूडेंट हैं। और मेरे को 15 स्टूडेंट से सुनना है कि आखिर क्या रीजन है कि इतना बार बोलने के बावजूद, इतना बार समझाने के बावजूद आपका स्पीच तैयार नहीं हो रहा। Raise your hand one by one, otherwise I will call the name one by one. एक एक करके मैं नाम बुलाऊंगी और मुझे रीजन जानना है आज की क्यों आपका प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है स्पीच। आपको और ज्यादा टाइम चाहिए, क्लासेस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि आप एक स्पीच प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। I'm still waiting for your answer.
और बहाना मत सोचिएगा, ठीक है? यस वर्षा, हाँ गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए। बोलो बच्चे, क्या परेशानी हो रही है? मैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं, आवाज सही से नहीं निकल रहा है, गला फंसा हुआ है। नहीं नहीं दैट इज नॉट द इश्यू, ठीक है? आपकी आवाज जो होती है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं करती है। अभी आपका वो जो फ्लो है, अभी आपका जो प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें अभी डेवलप नहीं की हैं कि मैं आपका टोन और पिच पे ध्यान दूं। पहले फ्लो पे ध्यान दीजिए, ठीक है? प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग टोन और पिच पे ध्यान देंगे, ठीक है? यस मैम। ओके। And try to sit with your face where I can see your face, ठीक है? थोड़ा सा रोटेट हो जाइए, जहाँ पर आपका लाइटिंग पड़ रहा है फेस पर, उस तरीके से बैठ जाइए। वर्षा, इज देयर एनी नेटवर्क इश्यू फ्रॉम योर साइड? आपका वीडियो फ्रीज हो गया है, वॉइस भी नहीं आ रही है। ओके, आई बिलीव हर वॉइस, हर नेटवर्क वॉज नॉट वेरी गुड। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या तो मुझे यहाँ स्पीच सुनना है बाकी स्टूडेंट से, या मुझे रीजन जानना है कि आप लोग क्यों नहीं प्रिपेयर किए हैं अभी तक। Do you want to answer that question or should I ask one by one? Hello. Yes, but हाँ अच्छा बोली। Is your network stable now? Varsha, is your network stable? Yes, rest of the students, कोई और प्रिपेयर किया है स्पीच? नहीं किया तो मुझे रीजन जानना है। वन बाय वन आई विल बी स्टार्ट नेमिंग द स्टूडेंट्स, एक एक करके मैं फिर यहाँ पर नाम लेके बोलूंगी कौन से स्टूडेंट हैं। आप मुझे बताइए कि क्यों आपने प्रिपेयर नहीं किया। यस, बैच वन रोल नंबर वन, बैच वन रोल नंबर वन, इज ही प्रेजेंट? अभी तो था क्लास में, लेफ्ट। ओके, बैच वन रोल नंबर 12, वर्षा, हो गया आपका नेटवर्क स्टेबल? चलिए, उसका नहीं हो रहा नेटवर्क स्टेबल। यस, इज योर नेटवर्क स्टेबल नाउ? हेलो मैम। हाँ बच्चे, मुझे आवाज आ रही है? आप अगर नेटवर्क स्टेबल है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आई वांट टू शेयर माय the effect of television violence upon common media influence in children these days. Television is one of the most popular devices that are used for entertainment all over the world. It gives us knowledge along with entertainment. It is the source of advertisement, news, entertainment, and sports all over the world. According to Iran 1992,
there can no longer be any doubt that heavy exposure to television violence is one of the cause of aggressive behavior, crime and violence in society. Television violence affects youngster of all age of both genders at all social economic level and all level of intelligence. There are many reasons how television violence affects children, such as how much television they watch, their age and personality. And also whether it also matters if their parents talk with them about the violence they see on TV. In order for parents to protect their child from the harmful effects of the violence or or television, it is essential to know what the impact of television. वर्षा, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? ओके, बाय द टाइम वर्षा इज रिकनेक्टिंग रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ बैच वन बैच टू जितने भी स्टूडेंट हैं, बैच वन रोल नंबर 5, एज यू प्रिपेयर द स्पीच, बैच वन रोल नंबर 5, आशीष कुमार, यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन 2 मिनट्स, आप क्लास से फिर बाहर हो जाएंगे. बैच वन रोल नंबर 5, आशीष कुमार, either I want your explanation or your speech. You have 2 minutes to respond. Batch 1, roll number 5. Okay, he's going out. Yes. Batch 1, roll number 5 is on. Batch 1, roll number 7. Sachin Kumar, Sachin Raj, sorry. Yes, ma'am. हाँ बच्चे, आपका speech prepare हुआ? मैंने ma'am speech prepare किया था, but मैं travel कर रहा हूँ ma'am, तो इसलिए मैंने सारा book वगैरह अचानक से traveling कर रहा हूँ. पटना आ रहा हूँ. तो आप lockdown खुला है तो पटना आ रहा हूँ. इसलिए. तो आप कब तक यहाँ पर दे पाओगे? स्पेसिफिक डेट कल तक या परसों नेक्स्ट क्लास में दे दोगे? ओके, चलो. ऑलराइट देन. ओके, रोल नंबर 7 हैज गिवन एन एक्सप्लेनेशन. रोल नंबर 12, वर्षा, आर यू रिकनेक्टेड? यस मैम. हाँ, तो बच्चे स्पीच खत्म हो गई थी या कुछ बचा था? बिकॉज लास्ट में रिकनेक्ट आपको करना पड़ा था मैम. खत्म हो गया था. ओके, खत्म थी. ठीक है, तो यहाँ पर आपने रीजन और एक्सप्लेनेशन दिया था. ठीक है, यहाँ पर देखिए कंक्लूजन पार्ट आपने नहीं लिखा. ठीक है, यहाँ पर आपने रीजन और एक्सप्लेनेशन दिया कि बच्चे जो हैं वो वायलेंस की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, और जो पेरेंट्स हैं वो बोल बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट आपने अपना ओपिनियन नहीं डाला यहाँ पर. ठीक है, अपना ओपिनियन कैसे डालते हैं? अपना ओपिनियन अगर आपको डालना होता तो यहाँ पर आपको आई थिंक करके पूरा अपना ओपिनियन आपको लिखना है कि मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली कि बच्चों को ये सारी मूवीज नहीं दिखानी चाहिए या बच्चों को दिखानी चाहिए तो उन्हें समझाना चाहिए, ये सारी चीजें आई माई ओपिनियन ये इंक्लूड करना जरूरी है. इतना आपका कंटेंट में था. डिलीवरी में, ठीक है, आवाज में देखो, अगर तबीयत खराब होता है या आवाज खराब होती है तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है डिलीवरी में. ठीक है, इफेक्ट आपका किस चीज से पड़ता है?
कि आप डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर जो कन्वे करना चाहते हैं मीनिंग, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपका जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ऑडियंस, ठीक है, तो कंटेंट आपको इस तरीके से डिलीवर करना है कि आप खुद अपने मन से बोल रहे हैं, जैसे आप बहुत मतलब मान लो कि आप अगर मानते हो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो अगर मानता है कि टीवी में जो भी वॉयलेंस दिखाया जा रहा है वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो इस चीज पे आपको अपना ओपिनियन इस तरीके से देना है कि कम से कम दो लोग जो हैं ऑडियंस में वो ये सोचे कि हाँ ये बंदा या बंदी जो भी है वो सही बोल रहा है, हमें अपना जो भी बच्चे हैं जो भी जिनको समझ में नहीं आता है कि अभी क्या देखना है क्या नहीं देखना है उनपे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, अंडरस्टूड, तो इस तरीके से आपको बोलना है कि आपकी ऑडियंस कन्विंस हो पाए, ठीक है, वॉइस से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आई हैव माइसेल्फ डिलीवर अ लॉट ऑफ स्पीचेस व्हाइल माय थ्रोट वाज नॉट वेरी गुड, तो वॉइस से बहुत ज्यादा डिलीवरी में प्रॉब्लम तब होती है जब आप कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, ठीक है, जब आप स्टोरी सुनाते हो ना तो उससे क्या होता है कि स्टोरीज में वॉइसेस अगर आप क्रिएट करते हैं हाई पिच लो पिच तो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो स्पीच में स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, तो कंटेंट में बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, कंटेंट मुझे लगता है कि आप सही कर लेंगे अच्छे से, लेकिन डिलीवरी में थोड़ा सा आपका जो डिलीवरी स्टाइल है प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसको थोड़ा डेवलप करना है, ठीक है, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लाइए, आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, तो आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है, और आपकी मतलब आप जब कहें कोई भी बात तो वो समझ में आनी चाहिए ऑडियंस को, और उससे सोचने के लिए उनको मजबूर करना है कि आप जो बोल रहे हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ सही बोल रहा है, हमें उसको सुनना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा कन्विक्शन लाइए, थोड़ा स्ट्रेंथ लाइए वॉइस को, ओके, नेक्स्ट, एनीवन एल्स, थ्री स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड देयर स्पीच, एनीवन एल्स हु वांट्स टू प्रेजेंट, यस, रोल नंबर 7 हो गया, 12 हो गया, रोल नंबर 16, प्रिंस कुमार, बैच 1, रोल नंबर 16, आर यू एबल टू शेयर माय वॉइस, प्रिंस कुमार, बैच 1, रोल नंबर 16, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे 2 मिनट में तो फिर मैं आपको बाहर निकाल दूंगी क्लास से, ओके, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, चलिए नेक्स्ट विल बी बैच 1, रोल नंबर 24, राज, बैच 1, रोल नंबर 24, राज, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस, प्लीज रिस्पॉन्ड, बैच 1, रोल नंबर 24, राज, बैच 1, रोल नंबर 24, राज, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, इज देयर एनी नेटवर्क इश्यूज फ्रॉम योर साइड, मेरी आवाज कट रही है क्या, ओके, चलिए, यू ऑलरेडी लेफ्ट हिमसेल्फ, बैच 1, रोल नंबर 25, शुभम, बैच 1, रोल नंबर 25, शुभम कुमार, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस, बैच 1, रोल नंबर 25, आज से है इन लोग सबको क्लास से मैं बाहर निकालूंगी, जैसे क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, बैच 1, रोल नंबर 44, यस मैम, हाँ बच्चे बताइए, आपका स्पीच तैयार है अभी तक, स्पीच तैयार हुआ आपका जो टॉपिक मैंने दिया था, टेलीविजन वॉयलेंस एंड चिल्ड्रन पे मैंने दिया था आपको स्पीच लिखने के लिए, तो आपका स्पीच तैयार है या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में आप आंसर करिए, स्पीच तैयार है या नहीं, हेलो मैम, हाँ मुझसे बोलो, आह
मानवीन शायद आपका आवाज जो है वो ऑडियो में कोई नेटवर्क इशू है, ठीक है, ऑडियो यहाँ पर कनेक्टेड है लेकिन आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट एवर आई एम आस्किंग, क्योंकि मेरी आवाज शायद आप तक पहुँच रही होगी। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपका जो स्पीच है वो प्रिपेयर्ड है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं हुआ, क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे थे या कोई भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो। चलो ठीक, नेक्स्ट पर्सन वुड बी 44। यस मानवीन, आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू इन द चैट बॉक्स, ठीक है। यस प्रिया रंजन हैज प्रेजेंटेड हिज स्पीच, ओके। नेक्स्ट पर्सन वुड बी, लेट मी जस्ट सी, यस बैच टू रोल नंबर 31 अभिषेक कुमार, बैच टू रोल नंबर 31 अभिषेक कुमार। यस मैम। हाँ बच्चे, आपका स्पीच तैयार है? सॉरी मैम, चलिए मैं एब्सेंट था मैम 2-3 रोज से। अच्छा 2-3 क्लास से आप एब्सेंट है, तो ठीक है, आज आपको पता चल गया। आज आपका टॉपिक क्या है? टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन। टॉपिक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, आपको क्या सबको लिख देती हूँ। ये टॉपिक जो है इसमें पूछा ये जा रहा है कि टेलीविजन पे यानी कि मूवीज में या कार्टून में जो भी वायलेंस दिखाया जाता है उसमें उससे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में ये समझ नहीं है सही गलत की, ठीक है, 5 साल के 6 साल के बच्चे या उससे भी कम छोटे बच्चे जो हैं जो सीखते हैं देख के एक दूसरे को क्या चीज है क्या नहीं, उनपे टेलीविजन के वायलेंस का लड़ाई झगड़े का क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। जैसे आज छोटा छोटा जो बच्चा है वो स्पाइडरमैन वगैरह मूवीज देखता है, ठीक है, कार्टून भी छोटा भीम वगैरह है उसमें भी बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया जाता है, तो इससे बच्चों का क्या असर पड़ रहा है, कब तक आप मुझे ये स्पीच प्रिपेयर करके दे सकते हैं? कल मैम। नेक्स्ट क्लास दे दोगे, श्योर हो? यस मैम। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपको प्रिपेयर करके यहाँ पर देना है, ठीक है। तो अच्छे से रिसर्च करिएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा कि गूगल से बहुत ज्यादा डाटा ना ले, थोड़ा बहुत ले सकते हैं स्टार्टर से अगर आप यूज करना चाहते हैं कि बच्चे कितना टेलीविजन देखते हैं वगैरह वगैरह। अपना ओपिनियन लिखना ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या लगता है, ठीक है। अगर आपको अपना बचपन का एक्सपीरियंस डालना है कि आपने बचपन में शक्तिमान वगैरह हम लोग बचपन में देखते थे तो उससे हमारे हम जब बच्चे थे तो उससे हमारा क्या असर पड़ा, ठीक है, या फिर अगर आपके कोई घर में बच्चा है तो आप उससे पूछिए कि वो जो टीवी में देखता है उसके दिमाग में क्या चलता है, ये सब देखकर रियल लाइफ एक्सपीरियंस इंक्लूड करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अभिषेक एंड सचिन विल गिव देयर स्पीच टुमारो। चलिए ये आई विल बी मेकिंग द लिस्ट हियर, लेट मी जस्ट मेक अ लिस्ट हियर सो दैट आई डोंट फॉरगेट द नेम। ये मैं लिस्ट बना ही लेती हूँ। ओके सचिन हो गया, सचिन राज और अभिषेक। अच्छा यहाँ पर मैंने किसको किसको क्लास से बाहर निकाला था, 5, 15 तो जो बच्चे अपने आप बाहर लीव किए थे, यस नेक्स्ट पर्सन जो है नेक्स्ट पर्सन जो है बैच 2 रोल नंबर 42 एंड 43, बैच 2 रोल नंबर 42 एंड 43, हुएवर इज रिस्पॉन्डिंग, सुधांशु एंड आनंद। अगर आप लोग का स्पीच तैयार है तो वेल एंड गुड, यू कैन गो अहेड एंड प्रेजेंट। सुधांशु एंड आनंद, एनीवन हु इज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, कोई ऐसा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर,
Sudhanshu, batch 2, roll number 42. Sudhanshu, are you able to hear my voice? Okay, batch 2, roll number 43, Anand. Are you able to hear my voice? Anand, आपको मेरी आवाज सुन रही है? ओके अच्छा नेटवर्क इशू है वॉइस नहीं कर पा रहे हैं चलिए ठीक है कोई बात हेलो अगर ऐसा भी हाँ बच्चे बोलिए मैम मैं ऑडियो से दे सकता हूँ स्पीच एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं हो रहा है और वीडियो ऑन नहीं हो रहा है एनी नेटवर्क इशू डिस्कनेक्ट हो रहा है क्लास से अच्छा ठीक है ऑडियो से एक बार दीजिए बट स्टिल आई वोंट बी एबल टू चेक योर बॉडी लैंग्वेज तो जितना आप ऑडियो लिखे हैं वही उसी के ऊपर हमने बेस्ट बता देंगे आपको यू कैन गो अहेड आनंद बच्चे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्पीच Hey everyone, my name is Anand and I am from BCA batch 2 and I am here to give my speech on the topic violence, children and television. I would like to give my opinion through an example like in our childhood we watch shows like Shakti Man and we hear many news like children follow up this cartoon and do stuff like jumping from the building and in the hope that the superhero will come and save him. So I just want to say that the violence should be removed from the television. ओके आई बिलीव यहाँ पर आपने जो मैसेज भेजने का ट्राई किया मैसेज वॉज वेरी क्लियर बच्चे बट यू कुड हैव यूज मोर एग्जाम्पल थोड़े और एग्जाम्पल आप थोड़ा और कंटेंट रखते क्योंकि ये आपका 1 मिनट से भी अंदर कंक्लूड हो गया है ठीक है स्पीच मैंने आपको शायद बताया नहीं हूँ लेकिन 1 मिनट से 4 मिनट के अंदर आपने रखना है तो थोड़ा सा और कंटेंट डालने की कोशिश करिए ताकि एटलीस्ट मिनिमम आप 1 मिनट रखें 1 मिनट इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो जनरल टाइम ड्यूरेशन है आपका जब आप किसी भी स्पीच में बात करते हैं या किसी से भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं ठीक है मान लीजिए आप इंटरव्यू में ही बैठे हैं या अपने सीनियर से बात करने जा रहे हैं कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग विद इन 10 मिनट दैट पर्सन जो भी पर्सन है वो आपका अपीयरेंस से आपको जज करता है रेस्ट बाकी का जो 10 मिनट है उसके आगे यानी कि 10 मिनट में आपको उसने अपीयरेंस देखा उसका बाकी के 10 मिनट में वो आपका ग्रीटिंग देखा है आपके मैनर है मैनर कैसे हैं आपने ग्रीट किया या नहीं किया कैसे आपने पूछा बैठने से पहले वगैरह वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं नेक्स्ट जो आपका 10 सेकेंड है उसमें वो आपका ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो बताना आप मतलब किस तरह से आप बोल रहे हैं आपका जो फ्लो है वो किस तरह से जा रहा है किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो फ्लो जज करते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम अगर आप 1 मिनट रखते हैं तो ये सारी चीजें जज करने के बाद जाके आपका जो ऑडियंस है कोई भी 1 पर्सन है 10 पर्सन है 10,000 है डजंट मैटर 30 सेकेंड्स तक वो सिर्फ आपको जज करते हैं 30 सेकेंड के बाद वो शुरू करते हैं आपका कंटेंट सुनना कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं ठीक है मुझे यहाँ पर आपको रिव्यू देना है इमीडिएट फीडबैक देना है इसीलिए मैं हर चीज वहाँ पर देखती हूँ सुनती हूँ बट अगर आप किसी ऑडियंस के सामने ऐसे बोलोगे तो मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट आपको 1 मिनट पूरा रखना है ठीक है जैसे आपका जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला भी होता है वो भी हम कोशिश करते हैं कि 1 मिनट पूरा बोलने की कोशिश करते हैं राइट वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ताकि आपको वो पूरा ड्यूरेशन टाइम मिले 1 मिनट तक समझने का वो आपको पूरे अच्छी तरह देखे कि वो कैसा है क्या है ये सारी चीजें जज करने के बाद आपका कंटेंट भी सुने ठीक है ओके तो वर्क ऑन दिस ठीक है अगर आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर प्रेजेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा चाहिए ठीक है एंड होपफुली अगर आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया तो ये वीडियो वाला इश्यू नहीं रहेगा नेक्स्ट person would be roll number 47 Abhishek Chaudhary batch 2 roll number 47
और अभी जो ये वापस से ज्वाइन किए हैं जिनको मैंने बाहर निकाल दिया था, रोल नंबर 5 बैच 1 रोल नंबर 25 एंड ऑल, ये सारे जो अभी दोबारा ज्वाइन किए हैं, मुझे आपका रीजन जानना है, अभी भी क्लास खत्म होने से पहले मुझे आपका रीजन जानना है कि आपने अभी तक क्यों नहीं प्रेजेंट किया। ओके सो I will be expecting, ठीक है, जिसने जिस क्लास में देने बोला है, the time is not the matter, ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि मुझे नेक्स्ट क्लास दे ही दो, लेकिन आप प्रिपेयर करके अच्छे से दो, दैट इज द मैटर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर करके, आप उस प्रोसीजर से नहीं गुजरेंगे जिस प्रोसीजर से आपको गुजरना है, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कम्युनिकेशन सीखने का या किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का बेसिक तरीका क्या था, पहले आप सुनते हैं। मैंने कल जो आपको वीडियो देखा था, दिखाया था, इफ यू डोंट हैव लेट मी सेंड इट अगेन हियर, कल जो स्टूडेंट नहीं प्रेजेंट थे क्लास में उनको मैं दोबारा से यहाँ पर बता देती हूँ। मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, उसमें देखिए कि किस तरह प्रेजेंटेशन का आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो वो इफेक्ट नहीं करता है आपके ऑडियंस को जब तक आप उसको अच्छी तरह प्रेजेंट ना करो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वुड बी यस रोल नंबर 47 बैच 2। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। मैम वो वीडियो का लिंक तो दे दीजिए, नहीं आया चैट बॉक्स में। भेज दें बच्चे, भेज देंगे, ऑन होने दीजिए, तब तक मैं यहाँ पर पूछ लेती हूँ। यस Yes, I'm still waiting in volume 47. ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने ये सेम वीडियो आपको सेंड किया था और बहुत सारे बच्चों को भी मैंने सेंड किया था। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आपको कहाँ पर क्या चीज से वर्क करना है, ठीक है, कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा हो जाए। जिसके पास भी नहीं था या कल जिस क्लास में जिसने भी अटेंड नहीं किया था वो ये सेव करके भी रख सकता है, आप लोग देख भी सकते हो, डायरेक्ट लिंक है यूट्यूब का। इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या क्या चीजें आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट वो भी आप कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा देखने के बाद। यस रोल नंबर 47 यू आर स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके यस रोल नंबर 50 साकिब, no response. If you're not going to respond, I'm just going to put you in the waiting room again. Okay. चलिए तो बाकी स्टूडेंट यहाँ पर जो भी बीच में ज्वाइन किए हैं, यस अभिमन्यु रोल नंबर 1, I'm still waiting for your answer. Why did you not present the speech? If you have a proper explanation and give me a proper date on when will you present this? Abhimanyu, can you hear my voice? Good afternoon, ma'am. Afternoon, bachche. Bataiye, aapka speech tayar hai? Ma'am, thoda sa R&D baki hai, to main kal de dunga. Thoda busy tha sir, sath mein jaane. Okay. To Abhimanyu kal present karenge. Okay. All right. Next, who are the students for left? Roll number 28. Okay. Yes, roll number 5.
Ashish Kumar. Still no response from your side. Call number 5. Okay. Is there any network issue, बच्चे आशीष अगर कोई network issue है जिसकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे हैं या मेरी आवाज़ clear नहीं जा रही है, you can just write it in the chat box so that at least I know and I have a proof why you are not communicating. Okay, सचिन का हो गया, वर्षा का हो गया. Yes, roll number 16. Roll number 16. Batch 1, Prince Kumar. Still no response. Yes, roll number 44, Manvi, Manvendra. Yes, aap kuch bol rahe the about the presentation. Manvendra, are you able to hear? Network issue. Yes. Okay, yes, network issue. हाँ, नेटवर्क इशू है तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका अगर स्पीच प्रेजेंट है या नहीं है, आप कब प्रेजेंट करेंगे, मुझे डेट बताइए. कल या थर्सडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, विद इन दिस वीक आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रेजेंट योर स्पीच विद इन दिस वीक के साथ नेक्स्ट क्लास. ओके, एंड वन मोर थिंग, एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी आप क्लास करते हैं तो ये क्लास सिर्फ अटेंडेंस के लिए तो हो नहीं रही है, तो ट्राई करिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्लास ना ही अटेंड करें. ठीक है, इससे क्या होता है कि इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो या आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि जब यहाँ पे स्पीच प्रेजेंटेशन चल रहा है तो आप बाहर क्यों जा रहे हो, और अगर अर्जेंट है तो बाहर का काम कर लीजिए उसके बाद क्लास ज्वाइन करिए. दोनों साथ में करेंगे तो ना तो आपको ऐसा है कि स्पेसिफिकली अटेंडेंस का कोई प्राइज मिल रहा है कि आपने मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर ली है उसके लिए कोई प्राइस है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कुछ. आप क्लासेस अटेंड करते हैं ताकि आप तो सीख सकें. आप बाहर जा रहे हैं, आपका ध्यान आधा उधर है, ध्यान आधा इधर है, तो इस तरह से ना आप उधर का अच्छे से कर पाओगे काम, ना इधर आप सीख पाओगे. तो ट्राई करिए कि अच्छे से एकदम स्टेबल रहकर क्लासेस अटेंड करें. यस, नमन, बैच 2, रोल नंबर 41. हाउ मेनी, यस आई बिलीव आप लास्ट क्लास में भी प्रेजेंट थे, कल की क्लास में, तो क्या आपका स्पीच तैयार है जो टॉपिक मैंने आपको दिया था? इज योर स्पीच रेडी? नमन, आर यू एबल टू हेयर माई वॉइस? ओके, दिस इज द लास्ट वार्निंग दैट आई एम गिविंग यू. अगर इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, नेटवर्क इशू होता है, बार बार बता रही, किसी भी तरह का कोई नेटवर्क इशू है, क्लास ज्वाइन करते आप लिख दीजिए कि मैम नेटवर्क डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है, या एटलीस्ट विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क इशू है. क्लास आपकी 11:15 या फिर 1 o'clock को जो भी शुरू होती है, 15 मिनट के अंदर, यानी कि 11:30 तक या 1:15, 1:20 तक आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सो दैट आई नो दैट यू हैव अ नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड. तब मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे तो एक बात समझ में आता है. यहाँ पर आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, देन हाउ विल आई नो कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन टू योर साइड. ये लास्ट क्लास है, इसके बाद मुझे अपने से नहीं बोलना पड़ेगा नाम लेकर. फोर स्टूडेंट हैज ऑलरेडी गिवन देयर नेम. चार स्टूडेंट ने नाम दे दिया है कि वो नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट करेंगे, और ये चारों नहीं करेंगे तो इन लोग को तो मैं डांटूंगी. बाकी जो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, देयर आर 15 स्टूडेंट, कोई एक बच्चा है, आई डोंट नो इफ ही इज प्रेजेंट इन द क्लास, आई डोंट थिंक ही इज प्रेजेंट इन द क्लास. वो क्लास में सबसे पहले ज्वाइन करता है, चाहे आज की क्लास हो चाहे कल की क्लास हो, हर क्लास में वो सबसे पहले ज्वाइन करेगा लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी भी चीज का. तो वैसे क्लास करके कोई फायदा नहीं है. इट इज बेटर दैट यू जस्ट सिट अराउंड फॉर दैट. ओके, सो फोर स्टूडेंट, सचिन राज, अभिषेक, अभिमन्यु एंड मानवेंद्र, आप चारों ने कहा है कि आप नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में प्रेजेंट करेंगे. तो कल की क्लास में मुझे आप चारों से स्पीच चाहिए.
अगर कोई इशू आता है तो बिफोर क्लास मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कोई इशू है जिसकी वजह से आप प्रेशन नहीं कर पा रहे, और ऐसा वैसा इशू नहीं कि आप मतलब बस नेटवर्क इशू है या कोई भी आप छोटा मोटा बहाना नहीं मारेंगे. यू हैव ऑल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू मोर देन इनफ टाइम. ऑलराइट, सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर. आई डोंट थिंक सो एनीवन इज गोइंग टू प्रेजेंट राइट नाउ. मैम मैं अभी दे दूं? कोई अभी मानिए अभी आपका प्रिपेयर है? आर यू श्योर यू कैन डिलीवर इट प्रेजेंट इट हियर? दे सकता हूं? नहीं दे सकते नहीं, मुझे अच्छी तरह प्रिपरेशन करके आपका स्पीच चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट मंथ पे जो भी लिख दिया उसके बाद आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो चीज करना छोड़ दो. ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है ताकि आप प्रेजेंटेशन में स्किल्स डेवलप कर सको. तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, कंटेंट अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, अपने से लिखा हुआ है, उसके बाद आपने तैयारी की है, दो चार बार बोल कर प्रैक्टिस किया है, उसके बाद आप प्रेजेंट कर रहे हो, देन इट इज डिफरेंट थिंग. इतना करने के लिए मैं आपको एक दिन पूरा हफ्ता आपको दिया मैंने, उसके बावजूद आप लास्ट मिनट पे तैयारी करके नहीं प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर. अगर आपका कंटेंट तैयार है वेल एंड गुड, प्रैक्टिस इट एंड प्रेजेंट इट इन द नेक्स्ट क्लास. अगर आपका प्रेजेंटेशन तैयार है यानी कि आपने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, लास्ट मंथ का नहीं तैयारी है, तब आप प्रेजेंट कर सकते हैं. प्रैक्टिस किया है आपने अच्छे से अभिमन्यु? कंक्लूजन पार्ट बाकी लेफ्ट में नहीं, तो उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करिए, आज कंप्लीट करिए, पूरा प्रैक्टिस करो. ठीक है, दो तीन बार बोलने का प्रैक्टिस करो, आईने के सामने बैठ के बोलने का प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद कल प्रेजेंट करना. ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड मैम. तो ये अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट क्लास आप लोग जितने भी बच्चे हैं नेक्स्ट क्लास, उन्होंने बोला है इतना प्रिपरेशन करने के बाद आप मुझे प्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट क्लास अगर नहीं हो पाता है, ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी ऐसा इशू है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले बता दो कि नहीं हो पाएगा, आप थर्सडे को प्रेजेंट कर देना. लेकिन जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं आपका कंटेंट पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और एटलीस्ट 3 to 4 times आपने वहां पर रीड किया हो, अच्छे से प्रैक्टिस किया हो रीड करके. प्रेजेंट करने का तरीका आप आईने में देख कर देख रहे हो कि क्या क्या प्रेजेंट आपको करना है, कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेजेंट करना. ऑलराइट, सो इफ देयर नो एनी पर्टिकुलर डाउट देन लेट्स एंड दिस क्लास हियर. अटेंडेंस मैंने ले लिया है. एनीवन एल्स एनी डाउट? देयर इज नो डाउट देन लेट्स